हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गायलन मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए शिवालिक की बुल टॉक से जुड़ी जानकारी लेकर आएंगे। किस प्रकार से यह काम करती है, क्या इसके अंदर टेक्निकल है, कौन कौन सी फसल पर आप इसका प्रयोग कर सकते हो और क्या इसकी डोज होगी और कौन कौन सी फंगस को यह कंट्रोल करता है, इन सभी से जुड़ी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलेगा और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल सके। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी फसल के अंदर आप इसे प्रयोग कर सकते हो। देखिए, आप इसे मिर्च के अंदर यूज कर सकते हो, टमाटर के अंदर यूज कर सकते हो, आलू के अंदर यूज कर सकते हो, केले के अंदर यूज कर सकते हो, जीरे के अंदर यूज कर सकते हो, नींबू पर यूज कर सकते हो, अंगूर के अंदर यूज कर सकते हो और धान के अंदर भी यूज कर सकते हो और चाय के अंदर भी यूज कर सकते हो। यानी मुख्य रूप से जो सब्जियां वर्गीय फसल होती हैं उनके अंदर यूज कर सकते हो और धान वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, हम बात करते हैं कौन कौन सी बीमारी को कंट्रोल करता है। देखिए, अर्ली और लेट ब्लाइट को कंट्रोल करता है, लीफ स्पॉट को कंट्रोल करता है, फ्रूट रोट को कंट्रोल करता है, ब्लास्ट को कंट्रोल करता है, लीफ स्पॉट को कंट्रोल करता है, कैंकर रोग होता है उसको कंट्रोल करता है, डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है, ब्लिस्टर ब्लाइट को कंट्रोल करता है, ब्लैक रोट को और रेड डस्ट को भी कंट्रोल करता है और ये एक बोर स्पेक्ट्रम फंगिसाइड होती है और ये साथ साथ में फंगस के साथ साथ में ये बैक्टीरियल डिजीज को भी कंट्रोल करने का ये काम करती है और इसका बहुत ही अच्छा और शानदार इसका रिजल्ट होता है। बात करते हैं इसकी डोज की। देखिए, जो आलू के अंदर अर्ली और लेट ब्लाइट आती है उसके अंदर 1 kg पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। टमाटर के अंदर अर्ली और लेट ब्लाइट और लीफ स्पॉट आती है उसके अंदर भी 1 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको डोज रखनी होती है और मिर्च के अंदर लीफ स्पॉट और फ्रूट रोट आता है उसके अंदर भी 1 kg पर एकड़ के हिसाब से आप इसका डोज रखनी होती है। मुख्य रूप से सभी फसलों के अंदर इसकी 1 kg डोज होती है। देखिए, आप जैसे कि बनाना के अंदर होते हैं जो मतलब केले के अंदर लीफ स्पॉट और फ्रूट रोट होता है उसके अंदर भी 1 kg पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। अंगूर के अंदर डाउनी मिल्ड्यू आती है उसके अंदर भी 1 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना है। चाय के अंदर ब्लिस्टर ब्लाइट और ब्लैक रोट और रेड डस्ट आती है उसमें भी आप 240 g पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। नींबू के अंदर कैंकर रोट और फ्रूट रोट आता है उसके अंदर भी 1 kg पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हो और ये 100% सोल्यूबल होती है आप इसको और साथ में आप इसके साथ में NPK वगैरह भी आप इसके साथ में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती और साथ में किसी भी फंगिसाइड का भी मिलाकर इसके साथ में प्रयोग कर सकते हो। रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है इसका, रिजल्ट 15 से लेकर 18 दिन तक लंबा इसका रिजल्ट मिलता है और धान के अंदर जैसे कि फंगस और साथ में बैक्टीरियल डिसीज को भी कंट्रोल करने का ये काम करती है और मुख्य रूप से सही फसलों के अंदर इसको यूज में लिया जा सकता है जिनके अंदर ये बीमारी देखी जाती है। और इसके जो 500 ग्राम का जो पैक होता है उसकी कीमत 300 रुपये आपको मिलती है और आप जरूरी नहीं है कि आप बुलटॉक्सी लिए, आप किसी भी कंपनी का कोई भी कोप्रोक्सी क्लोराइड आप ले सकते हो, सभी का रिजल्ट सेम होता है, कंपनी की कोई जरूरत नहीं होती है। अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।